हर दो में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं किसानों का कहना है कि योगी राज में किसानों के साथ और गोवंश पर अत्याचार हो रहा है। एक तरफ जहां किसान फसल की रखवाली करने के बाद भी आवारा पशुओं से फसलों को बचाने में नाकाम है, वहीं दूसरी तरफ गौशाला के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के चलते पशुओं की अनदेखी हो रही है। आज भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन के द्वारा टोंडरपुर व पिहानी विकासखंड की तमाम समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मुख्य रूप से शाहबाद पिहानी जर्जर मार्ग को लेकर अयारी गांव में जिस प्रकार से मार्ग की जर्जर हालत है, जिस प्रकार से राहगीरों को निकलने में समस्या हो रही है, मुख्य रूप से इस मुद्दे को उठाया गया है। वह क्षेत्र में जिस प्रकार से गौशालाओं में गौवंशों को खाने की व्यवस्था नहीं है, जिस प्रकार गौवंश मर रहे हैं, चाहे वह दुर्घटना का शिकार हो रहे हों, चाहे वह लापरवाही का शिकार हो रहे हों, जिसके चलते गौवंशों के साथ अत्याचार हो रहा है, साथ ही किसानों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। ज्ञापन में मुख्य रूप से आबकारी से संबंधित समस्या उठाई गई है, जिसमें कहा गया है कि पिहानी थाना क्षेत्र के अहेमी गांव में वह तमाम ऐसे गांव है जहां पर कच्ची व जहरीली शराब का अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों पर व आम जनमानस पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। आज ज्ञापन में एक सप्ताह के अंदर समस्त बिंदुओं पर कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है, अन्यथा की स्थिति में भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन को विवश होगा। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक।